हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, जीतन राम मांझी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हिंदू पूजा पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही पंडितों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने कल पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान ये आपत्तिजनक बातें कही। हिंदू पूजा पद्धति पर सवाल उठाया जीतन राम मांझी ने। हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ कीजिएगा। हम सब लोगों को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चले अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित कहते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। उधर जीतन राम मांझी के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी झांसी को ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता है, उनके पद के अनुरूप ये बयान निंदनीय है। साथ ही विनोद शर्मा ने कहा कि जीतन राम मांझी को अब राजनीति से विश्राम ले लेना चाहिए, उनकी उम्र हो चुकी है। राम मांझी जी हमारे गठबंधन के सम्मानित नेता हैं, लेकिन इधर लगातार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उनके पद और गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्हें कोई भी बयान देने के पहले काफ़ी सोचना चाहिए और हमें लगता है कि उन्हें अब राजनीतिक विश्राम की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। क्या बोलते हैं शायद उन्हें पता नहीं चलता है। अब उन्हें निश्चित रूप से अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकार देकर आराम करना चाहिए।